नमस्कार, मेरा नाम है सुमन और मैं आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मेरा चैनल नया है और 1 सितंबर को मुझे मेरा पहला सब्सक्राइबर मिला। यार आपका नाम क्या है मैं तो नहीं जानता, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखिएगा, थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ भारत गणराज्य का 3रा सबसे बड़ा शहर और 5वां सबसे बड़ा महानगर बेंगलुरु की। अपने साल भर के सुहाने मौसम और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रसिद्ध यह शहर भारत के मुख्य शहरों के मुकाबले 900 मीटर की औसत ऊंचाई पर विराजमान है। वर्तमान समय में जो आप बेंगलुरु का क्षेत्र देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में कई शासकों ने अपना राज किया। 1004 ईस्वी तक यह गंग वंश का एक भाग था। 1015 ईस्वी से 1016 ईस्वी तक यहाँ चोल शासकों का शासन रहा। इसके बाद होयसल राजवंश, फिर सहजी भोसले और सन 1698 में मुगल शासक औरंगजेब, फिर हैदर अली और अंत में 1799 ईस्वी तक टीपू सुल्तान का शासन रहा। इसके बाद भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो इसके बाद फिर अंग्रेजों का शासन हो गया। पुराणों में इस क्षेत्र को कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब अंग्रेज भारत आए तो उन लोगों ने इसका नाम बेंगलुरु रखा, जो कि एक अंग्रेजी नाम है। ऐसा कहा जाता है आज के बेंगलुरु की स्थापना सन 1537 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य ने की थी। बेंगलुरु शहर के उत्तर पूर्व में कोलार जिला है, जो कि सोने के खानों के लिए प्रसिद्ध है। इस पर एक फिल्म भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी, KGF। इस खूबसूरत महानगर में 51% लोग भारत के अलग अलग कोने से आकर यहाँ बसे हुए हैं, क्योंकि इस शहर का मौसम इतना सुहाना है कि लोग इसे भारत का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। कन्नड़ फिल्म उद्योग का केंद्र बेंगलुरु सालाना लगभग 80 फिल्मों का निर्माण करता है। कन्नड़ फिल्म जो आजकल इतनी लोकप्रिय हो रही है, जिसे आप बखूबी जानते हैं, ऐसा लगता है कि बेंगलुरु ने एक नई जनभाषा को जिंदा कर दिया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह शहर एक समय में मुंबई दिल्ली का एकदम विपरीत था, क्योंकि यहाँ 1990 तक किसी भी तरह का कोई कलाकृतियाँ नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1990 के बाद बेंगलुरु में बहुत सारे आर्ट गैलरी का स्थापना किया गया और आज बेंगलुरु दक्षिण भारत का अकेला कला महोत्सव है। इस शहर में क्रिकेट हमेशा से लोकप्रिय रहा है। बेंगलुरु ने भारत को बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी दिए, जैसे राहुल द्रविड़, BS चंद्रशेखर, वेंकटेश प्रसाद, श्रीनाथ और भी बहुत सारे। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो इस महानगर में एक से एक घूमने लायक जगह हैं, जैसे टीपू पैलेस, बेंगलुरु के प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस में से एक। इस महल का बनावट मुगल जीवन शैली को दर्शाती है। इसके अलावा यह किला अपने समय के इतिहास को भी दर्शाता है। वेंकटप्पा चित्रशाला, जो लोग कला के शौकीन हैं उसके लिए यह जगह पैसा वसूल है मानो, क्योंकि इसमें लगभग 600 पेंटिंग लगाई गई है और बहुत सारे नाटकीय प्रदर्शन का संग्रह दिखाया गया है। भारत का सबसे खूबसूरत वनस्पति बगीचा में से एक है। वर्तमान समय में इसे लाल बाग बगीचा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है साल भर यहाँ लाल गुलाब खिलते हैं, जिसके कारण इसका नाम लाल बाग रखा गया है। गवी गंगाधर श्रावरा मंदिर, यह मंदिर इस शहर के पुराने मंदिरों में से एक है, जो भगवान शिव माता पार्वती को समर्पित है। यहाँ आपको प्राकृतिक गुफा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बनघट्टा जैविक उद्यान, यहाँ आप जंगल की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ पर तरह तरह के जानवर चिड़िया को सही वातावरण में रखा गया है, जिसका आप लुफ्त उठा सकते हैं। देखिए, वैसे तो बेंगलुरु में घूमने के बहुत सारे जगह हैं और हर चीज़ के बारे में डिटेल में मैं नहीं बता रहा, ब्रीफ में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो लंबा ना हो और आपको बेंगलुरु का एक ओवरव्यू मिल जाए। यह शहर भारत का सबसे बड़ा IT हब है। यहाँ लगभग 67,000 रजिस्टर्ड IT कंपनीज काम करती है। इस महानगर का टोटल पॉपुलेशन 89 लाख है मात्र। वर्तमान समय में बेंगलुरु सिर्फ IT क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है।
भारत के टोटल आईटी निर्यात में 38% का योगदान सिर्फ बेंगलुरु का है, जिससे पता चलता है कि यह शहर हमारे देश का एक प्रमुख राज्य है। इस शहर में लगभग 21 इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो कि भारत के किसी भी शहर के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। आपको बता दूं, बेंगलुरु इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट ग्रोइंग सिटी में से एक है। एक्सपर्ट का मानना है कि यह शहर 2030 तक अपनी जीडीपी को दोगुना बढ़ा लेगा। यहां साल 2008 में बहुत ही खूबसूरत बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इसके अलावा इंडिया का सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीतने वाले लोग बेंगलुरु से ही हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सर सी वी रमन, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ जैसे व्यक्तित्व इसी शहर से आते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा और बेंगलुरु के बारे में कुछ बेहतर जानने को मिला होगा। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद।